दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूर्याबज में। और आज आपको मैं बताऊंगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो फर्स्ट T20 मैच होने वाला है, आपको मेरे चैनल पे पूरी जानकारी मिलेगी, डिटेल्स में जानकारी मिलेगी और एक एक प्लेयर के बारे में बताया जाएगा कौन किस नंबर पे आता है और कौन डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, कौन ओपन बॉलिंग करता है। तो आप बने रहना, अभी देखो ये सब सारा स्टेट है, मैं स्टेट थोड़ा बाद में दिखा दूंगा, मैं पहले टीम दिखा देता हूँ अपना कि कौन सा टीम मैंने चुना है, उसके बाद मैं एक एक प्लेयर का स्टेट और क्या कंडीशन है पिच का उसका मैं बताऊंगा। तो अभी टीम के बारे में हम लोग बात करते हैं, टीम कुछ इस तरह से अभी बन रही है। इसमें देखो अभी मैंने ईशान किशन को लिया है, ईशान किशन देखो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, ये दो वनडे मैच खेले थे और अच्छे टच में दिख रहे थे। अगर इसमें अगर ऐसा कुछ होता है अनएक्सपेक्टेबल चेंज कि इसमें जैसे किशन और संजू सैमसन में अगर कोई एक खेलता है जैसे सैमसन, तो मैं सैमसन को ले लेना और अगर किशन खेलेंगे तो किशन को ले लेना। और एक चीज़ और कि ये भानुका जो हैं वो श्रीलंका के विकेट कीपर हैं, ये भी अच्छे फॉर्म में हैं, तो ये भी एक स्मॉल लीग के लिए अच्छे फॉर्म है, लेकिन मैं कहूँगा कि इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर यूज करना क्योंकि ये लगातार रन बना रहे हैं, अच्छे टच में दिख रहे हैं और श्रीलंका के लिए ये रेगुलर रन बना के दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैट्समैन के, तो बैट्समैन देखो धवन, सूर्य कुमार यादव, सनाका और फर्नांडो और पृथ्वी शाह। देखो पृथ्वी शाह भी अच्छे टच में हैं, ये लगातार रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए, एकाक मैच में फ्लॉप हुए थे तो अभी ये जो 20 है तो यहाँ तेज़ी से रन वनडे में भी बना रहे थे, तो होप करते हैं कि आपको 20 में भी रन बना के दे सकते हैं। उसके बाद देखो अविष्का फर्नांडो लगातार मतलब बहुत ही अच्छे टेक्निकली रूप से बैट्समैन है और अपने पिच पे लोग खेल रहे हैं तो ये अच्छे फॉर्म है, तो इनको ज़रूर लेना हेड टू हेड में और स्मॉल लीग में। सनाका आपको, इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग मतलब थोड़ा सा कन्फर्म नहीं रहता है कि पूरे ओवर फेंकेंगे कि नहीं, लेकिन कुछ ओवर इनको बॉलिंग भी कराई जाती है तो जिससे विकेट मिलने की संभावना इनकी बढ़ जाती है। उसके बाद देखो एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव और मनीष पांडे में कैसे सिलेक्शन करना है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बेस्ट हैं और T20 के लिए। तो सूर्य कुमार यादव को आप लोग देखे होंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से कितने ज़बरदस्त पारी खेलते हैं, तो सूर्य कुमार यादव को भी आप लोग ले सकते हो, मनीष पांडे को भी, लेकिन क्रेडिट आपको अलाउ नहीं करेगा कि दोनों को एक साथ रखें। तो आप क्या करना कि अगर मनीष पांडे की बैटिंग ऑर्डर अगर टॉस के बाद, मैं खुद बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अगर जो लोग जुड़े हैं, अगर आप नहीं जुड़े हो तो अभी भी जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल पे मेरे @SuryaBuzz11 लिखोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, बहुत सारे लोग वहाँ जुड़ के फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद देखो मैं बता रहा था कि सूर्य कुमार यादव और मनीष पांडे में मैं टॉस के बाद बता दूंगा और आप भी थोड़ा सा देख लेना कि अगर जिसकी बैटिंग पहले मतलब टॉप ऑर्डर में, जैसे कि अगर पहले मनीष पांडे को दिखाया गया तो उनको ले लेना और अगर सूर्य कुमार यादव को लेना होगा तो उनको, अगर आपको दोनों को लेना होगा तो किसी एक ओपनर को ड्रॉप करना होगा, जैसे पृथ्वी शाह या धवन में से किसी एक को ड्रॉप करना होगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि अगर दोनों चल गए तो आप वन साइडेड हार जाओगे। तो ये अभी धवन भी अच्छे फॉर्म है, धवन ओपनिंग करेंगे अपने टीम के लिए, आपको पता ही है। उसके बाद देखो ऑलराउंडर की बात करते हैं, तो ऑलराउंडर में हसरंगा बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, आपको बैटिंग पूरे ओवर बॉलिंग भी करेंगे और इनकी बैटिंग आती है 5 से 6 नंबर पे, तो आपको बैटिंग भी करके दे सकते हैं। उसके बाद देखो हार्दिक पांड्या को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं मिल पा रहे हैं और इनकी बैटिंग ऑर्डर भी आजकल फ्लॉप ही चल रही है, तो अगर देखो एक चेंज करना होगा हम लोग को तो मैं ये कर सकता हूँ टॉस के बाद कि हार्दिक पांड्या को हटा के कुणाल पांड्या को ले सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो ये चेंज। अगर हार्दिक पांड्या पे विश्वास एक बार और दिलाना चाहते हो तो आप लोग विश्वास दिला सकते हो, हार्दिक पांड्या को एक बार और ले सकते हो, ऐसे तो मेरा मन कर रहा है कुणाल पांड्या को, मैं टॉस के बाद देखूंगा, अभी फ़िलहाल हार्दिक पांड्या को, क्योंकि कुणाल पांड्या के साथ ये है कि आपको बैटिंग भी रन भी बनाएंगे और पूरे ओवर लगभग बॉलिंग करते हैं, तो 4 ओवर अगर बॉलिंग करेंगे तो विकेट लेने के चांस होंगे, तो ये उनका डबल बेनिफिट है। अभी मैं हार्दिक पांड्या को ही ले रहा हूँ। डिसिल्वा को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे डिसिल्वा का देखो बैटिंग अच्छा है लेकिन इनका बॉलिंग कोई कंफर्म नहीं रहता है मिलेगा कि नहीं, इसीलिए मैं अभी इनको ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे ये बॉलिंग सेक्शन में देखो चमीरा, भुवनेश्वर कुमार को अभी मैंने ड्रॉप किया है टॉस के बाद, अगर जैसा होता है अगर इनकी पहले बॉलिंग आएगी तो मैं इनको लेने की कोशिश करूँगा। चमीरा और चहल और ये आपको 3 बॉलर हैं, चमीरा, चहर और चहल। चहल का मैं अभी रिकॉर्ड दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद वहाँ पे स्टैट कि उनका रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ कितना अच्छा रहता है और
2019 वर्ल्ड कप के बाद उनका कितना अच्छा रिकॉर्ड है ये चहल का आप देखेंगे। अभी मैं टीम बता दे रहा हूँ, चहर देखो ज़बरदस्त फॉर्म में है, चहर बैटिंग से भी पॉइंट दे रहे हैं, तो आप इनको छोड़ना खतरे से खेलना कम है। उड़ाना को अगर लेना होगा तो आपको चमेरा को ड्रॉप करना होगा या किसी एक बैट्समैन को कम करना होगा। तो उड़ाना भी देखो बॉलिंग बैटिंग दोनों इनकी, मतलब बैटिंग अगर आ जाए तो कर लेते हैं, ऐसे बॉलिंग भी करेंगे, डेथ ओवर में भी फेंकते हैं, तो आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो। बाकी देखो अगर अकेला धनंजय को ट्राई करना है तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करो, अगर संदाकन खेलते हैं तो इनको ग्रैंड लीग में, राहुल चहर अगर खेलते हैं तो इनको भी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, ये सब ग्रैंड लीग पिक्स हैं। उसके बाद देखो कुछ टीम इस तरह से मेरी बन रही है, अभी कैप्टन अभी फ़िलहाल के लिए शिखर धवन है और वाइस कैप्टन मैंने हसरंगा को बनाया है। वाइस कैप्टन आप तो चाहे तो चहल का रिकॉर्ड देखते हुए चहल को भी बना सकते हैं, इनका रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही अच्छा रहा है, तो ये सब कर सकते हैं। अगर मैंने चेंज बता दिया कि सूर्य कुमार यादव के जगह पे मनीष पांडे को कैसे ले सकते हैं और हार्दिक पांड्या के जगह पे कुणाल पांड्या को कैसे ले सकते हैं, तो ये हो गई आपको हेड टू हेड की टीम। और अगर ग्रैंड लीग की टीम भी, तो ग्रैंड लीग मैंने बता दिया किसको किसको ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग में अगर आपको कैप्टन ट्राई करना है तो ईशान किशन खेलते हैं तो उनको ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में कैप्टन, और ये ग्रैंड लीग कैप्टन बहुत ही अच्छे। उसके बाद अगर आपको ट्राई करना है तो पृथ्वी शाह और इधर से चहल, ये सब आपको ग्रैंड लीग कैप्टन चॉइस हैं, ये सूर्य कुमार यादव या मनीष पांडे में से कोई एक। उसके बाद देखो ये हो गई टीम, उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड के बारे में बात कर देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम वहीं दी जाती है। अभी जो टीम होती है वो डेमो टीम होती है, क्योंकि आपको भी पता होगा आप खेल रहे हो तो कि टॉस के बाद ही पता चलता है कौन प्लेयर खेल रहा है कौन है, ये एक प्रोबेबल 11 होता है, तो इसमें क्या होता है चेंजेस भी हो सकते हैं, किसी को ड्रॉप किया जा सकता है, तो एक अनुमानित टीम बनाई जाती है उसके बाद। लेकिन आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाओ, वहाँ पर कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं टीम के, बहुत सारे लोग पैसे लेकर टीम देते हैं लेकिन मेरा वैसा नहीं है, मैं फ्री में टीम अवेलेबल करा देता हूँ और 100% विनिंग टीम होती है, आप खेल के खुद जो खेल रहे हो जानते होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में आज 25 तारीख को 8 बजे शाम से मैच है, और यहाँ पे मैंने एक फैक्ट लिखा है, क्या आप जानते हैं, मैं आप देखेंगे कि 17 T20 में चहल का जो 16 विकेट है वो 50 ओवर जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 उसके बाद ये 17 T20 में 16 विकेट लिए हुए हैं, जबकि सेम यही चीज़ और इतने ही पीरियड में कुलदीप यादव, कुणाल पांड्या, राहुल चहर तीनों मिल कर 10 विकेट लिए हैं। तो आप सोच लीजिए, यही रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था कि इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है श्रीलंका के खिलाफ। तो आप ग्रैंड लीग में चहल को एज ए कैप्टन आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर रिस्क लेना हो तो, या तो हारोगे तो पूरा हारोगे या जीतोगे तो पूरा जीतोगे, इसीलिए मैं कह रहा था। उसके बाद दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा मैं यहाँ पे कि सनाका और उड़ाना कैप्टन जो हैं श्रीलंका के, सनाका और उड़ाना ये जो प्लेयर हैं दोनों एक ऐसे हैं जो 100 से ऊपर T20 खेले हैं, बाकी सब मतलब थोड़े से नए प्लेयर ही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सब 100 के अंदर ही बाकी सब हैं। और शिखर धवन का देखो रिकॉर्ड इनके खिलाफ 41 IPL मैच में 1519 रन बनाए हैं, और सेम यही सीजन में 14 T20 में 363 रन 25 के एवरेज से बनाए, 117 का स्ट्राइक रेट। तो ये जो जो मतलब प्लेयर मैंने बताया उन सबका प्लेयर रिकॉर्ड इन लोगों के खिलाफ बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख सकते हैं दोनों टीमों का, और ये मैं कोशिश किया हूँ कि क्रम से जिस तरह से उनकी बैटिंग आती है उसी तरह से मैं सजाने की कोशिश किया हूँ। अगर इसमें आप कुछ गलत होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो दे रहा हूँ वो मैं भगवान हूँ मेरा ही सही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी मतलब आप लोग से ही सीखने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद देखो ओपन और डेथ बॉलिंग भारत की तरफ से अगर बात करेंगे तो दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार, और अगर सगरिया खेलते हैं तो उनको भी शामिल कर लेना, वैसे चांस कम है। हार्दिक पांड्या शुरू में कभी कभी आ जाते हैं लेकिन डेथ में अभी फॉर्म में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे डेथ में भी फेंकवाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआत उनसे कराई जा सकती है। तो ये आपको 3 बॉलर हो गए ओपन और डेथ। उसके बाद देखो श्रीलंका का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो इस तरह से कुछ है, अब इसका फर्नांडो ये मतलब इस तरह से आपको क्रमशः ऐसे ही इन लोगों की बैटिंग ऑर्डर भी शायद है, तो अगर थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक होगा तो टॉस के बाद पता चल ही जाएगा। उसके बाद देखो श्रीलंका के लिए ओपन और डेथ बॉलिंग की बात करें तो करुणा रत्ने चमेरा और उड़ाना ये तीनों ओपन शुरू में और डेथ में तीनों यही फेंकते आपको दिखेंगे। तो क्योंकि देखो मैं ओपन और डेथ आपको पता ही होगा क्यों देता हूँ जो पुराने हैं, क्योंकि उससे अगर शुरू में विकेट लेने के चांसेस होते हैं और लास्ट में तो बहुत अधिक हो जाते हैं क्योंकि सब मारने चलते हैं और उसमें विकेट, तो इसीलिए मैं ओपन और डेथ बॉलिंग की बात करता हूँ। और उसके बाद देखो श्रीलंका के खिलाफ और श्रीलंका के प्लेयर का भारत के खिलाफ और भारत के प्लेयर का श्रीलंका के खिलाफ क्या रिकॉर्ड रहा है, मैं कुछ जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं उनका मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो कुछ बैट्समैन पहले देखो, बैट्समैन में आपको
सॉरी, ये शायद शिखर धवन का है, शायद शिखर धवन का है ये। 7 मैच में 114 और 19 का एवरेज, ये यहाँ पे मिट गया है। मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा इसके बारे में। हसरंगा का देखो, 10 मैच में 108 रन, 15 का एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या का 8 मैच में 164, 32 का एवरेज है इनका, बहुत अच्छा है श्रीलंका के खिलाफ। सूर्य कुमार यादव का उसी तरह से आप देख सकते हैं, 44 का एवरेज है, 185 का स्ट्राइक रेट। अगर बॉलर की बात करें तो हसरंगा 10 मैच में 14 विकेट, चमीरा 6 मैच में 10 विकेट और चहल आपको 8 मैच में 8 विकेट, भुवनेश्वर कुमार 5 मिनट में 4 विकेट। तो ये हो गए आपको मेन बॉलर और मेन बैट्समैन। क्योंकि ये मैं इसलिए बता दिया, आप लोग का स्टेट दे दिया कि आप लोग अगर खुद से भी, कितने बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो खुद से भी टीम में चेंजिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने से खुद से भी चेंजिंग करते हैं, किसी के मतलब डिपेंड नहीं रहते कि मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा। तो ये चीज़ के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सब का। अगर किसी और का भी अगर आपको स्टेट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे इस प्लेयर का स्टेट चाहिए, मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैं सबका मतलब स्टेट नहीं तैयार कर पाता हूँ कि सब लोग बोर हो जाएंगे, और बाकी सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर बता ही देता हूँ। इस तरह से कुछ आप लोग, और उसके बाद अगर जो भी न्यूज आएगा, अगर अपडेट आएगा कुछ, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। ये हुई थी हमारी हेड टू हेड की टीम, अगर इसमें कुछ भी चेंजिंग होता है तो मैं अपने चैनल पे बता दूंगा। तो अभी भी मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।